हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम में। अभी इसमें रेवेन्यू वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा काफ़ी बड़ा दिया है, बच्चे लोग देख के डरते हैं। तो लेट मेक इट सिंपल एंड इजी एंड क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो आ जाओ, क्रिस्टल क्लियर मतलब एकदम साफ, एकदम आसान। चल आ जाओ। तो अभी इधर क्या दिया अपने को, कॉस्ट दिया। क्या दिया है? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है। तो कॉस्ट को सी लेके लिख दिया मैंने, 180 प्लस 4x, ओके। उसके बाद प्राइस दिया है, प्राइस मतलब एक का दाम। और उधर दो सवाल पूछा, फाइंड द एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट इज इंक्रीज। रेवेन्यू भी बोला है, प्रॉफिट भी बोला है, और क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया ही नहीं है, कॉस्ट दिया है और प्राइस दिया है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? इनकम। तो उसको बोल सकते हैं प्राइस इंटू क्वान्टिटी डिमांड, प्राइस इंटू क्वान्टिटी डिमांड। एक समोसा 10 का और मैंने 100 समोसा बेचा, मतलब 1000 रुपया कमाया ना, तो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू प्राइस इंटू डिमांड। तो इधर डिमांड क्या है? एक्स है। डिमांड क्या है? एक्स है। तो कैपिटल आर ले लिया मैंने, प्राइस दिया ना आपको 240 माइनस एक्स। प्राइस कितना दिया है? 240 माइनस एक्स, वो लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक्स। एक्स क्या है? क्वांटिटी होता है। क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप लोग, तो आपको रेवेन्यू फंक्शन मिलेगा। तो रेवेन्यू कैसे मिला? ये प्राइस फंक्शन है, उसको मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? एक्स कर रहे हैं। 240 इंटू एक्स, 240x। एक्स एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया रेवेन्यू फंक्शन। क्या हो गया आपका? अभी आप लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स निकालेंगे। इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव्स कैसे आएगा? रेवेन्यू मतलब आर को सॉल्व कर रहे हैं एक्स के हिसाब से। किसको सॉल्व कर रहे हैं? एक्स के हिसाब से। आर को सॉल्व कर रहे हैं एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो आ जाओ, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। तो इधर 1 लिख देंगे, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर, 2 किधर आ जाएगा? आगे आ जाएगा ना। तो एक्स के जगह पे 1 डाला और डेरिवेटिव निकाला तो 2x हो गया। अब इसको एकदम सजा देंगे अच्छे से, तो क्या आंसर मिला आपको? 240 माइनस 2x। ये हो गया डेरिवेटिव्स किसका? रेवेन्यू का। अब इधर क्या बोला अपने को क्वेश्चन में? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। क्या बोला गया? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो इधर लिखेंगे सिंस द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग गिवन। अपने को रेवेन्यू इंक्रीजिंग दिया है, राइट, क्वेश्चन में। तो इंक्रीजिंग मतलब होता है मोर देन जीरो। क्या होता है? तो ये दिख रहा है जो सॉल्व करके आंसर आया ना डायरेक्टली, इसको लिखेंगे 240 माइनस 2x मोर देन जीरो। ये फंक्शन को क्या किया मैंने? मोर देन जीरो ले लिया, तो 240 हो गया। माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। माइनस इधर आएगा तो प्लस। अभी 2 इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 आंसर आएगा। क्या आएगा? तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया मालूम है? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। क्या सॉल्व किया हमने? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अब इसमें और एक क्वेश्चन छुपा है, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। क्या बोला है? तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो ये वाला पार्ट रेवेन्यू वाला हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, मतलब 100 की चीज़, मतलब 80 की चीज़ 100 में बेचा। कॉस्ट मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब इनकम। जब 80 की चीज़ 100 में बेचेगा तो भी फायदा होगा ना। तो प्रॉफिट को पी ले लिया कैपिटल, रेवेन्यू को आर ले लिया, कॉस्ट को सी ले लिया। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है प्राइस इंटू डिमांड। व्हाट इज़ रेवेन्यू? प्राइस इंटू डिमांड। सी मतलब कॉस्ट। तो ये प्राइस इंटू डिमांड हमने सॉल्व किया ना, तो ये रेवेन्यू हो गया तुम्हारा। ये पार्ट क्या हो गया? ये दिख रहा पूरा पार्ट, ये रेवेन्यू। डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूँ, अगर ये लेके सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलेगा ना यार। तो रेवेन्यू के जगह पे सिंपली मैंने ये लिख दिया, और कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। कॉस्ट क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या करके दिया है? 180 प्लस 4x। तो कॉस्ट के जगह पे वो डाल देंगे, मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे 180 प्लस 4x, ओके। तो ये हो गया प्रॉफिट फंक्शन बन रहा है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कैसे है? प्राइस इंटू डिमांड माइनस कॉस्ट। अब इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करो, 240x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अकेला है। ये 240 है और ये 4 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 240 में से 4 गया, 236 क्या हो जाएगा? और 180 को ऐसे रख दो। तो ये इसको और इसको सॉल्व करके ये आया, ये ऐसे ही रखा और ये भी ऐसे ही रखा। अभी क्या निकालेंगे? डायरेक्टली क्या निकालेंगे? डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो प्रॉफिट को सॉल्व कर, dp अपॉन dx, जिधर x है उसका डायरेटिव 1 आएगा, 236 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1। इधर x है क्या? तो कॉन्स्टेंट टर्म, डायरेटिव क्या आएगा? 0। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? माइनस 2x, है ना। तो इसको अगर अच्छे से लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा? dp/dx 236 माइनस 2x, 236 माइनस 2x। अभी क्या बोला है? सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट क्या बोला है अपने को? इंक्रीजिंग।
इधर प्रॉफिट क्या बोला है, इंक्रीसिंग। तो इंक्रीसिंग मतलब होता है मोर देन जीरो, क्या लेंगे? तो ये जो सॉल्व करके आया ना, तो 236 माइनस 2x मोर देन जीरो, 236 आ जाएगा, ये माइनस इधर आएगा क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। 2 किधर आ जाएगा, नीचे। इसको डिवाइड करेंगे, 200 का आधा 100, 36 का आधा 18, तो 118 आ जाएगा। तो प्रॉफिट का भी इंक्रीजिंग है जब x कितना रहेगा, मोर देन 118। तो ये वाला क्वेश्चन था तुम्हारा, ओके, ये वाला पार्ट था। अब ये वाला पार्ट था, वैसे भी और एक चीज़ है तुमको करा देता हूँ, वो ये वाला क्वेश्चन इधर आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है मालूम है क्या, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, क्या बोला है? तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकंड फटक से अच्छे से करा देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, ये देखो, तो इसमें क्या दिया मालूम है क्या डियर स्टूडेंट्स, तो इधर क्या दिया, एक प्रोडक्शन के लिए मतलब क्यू आर्टिकल को बनाने के लिए स्टैंडिंग चार्जेस 500, स्टैंडिंग मतलब फिक्स चार्जेस है, 500 तो देना ही है, और लेबर चार्जेस भी लग रहा है, क्या लग रहा है, लेबर चार्जेस भी लग रहा है, ठीक है।